करनाल के जिला सचिवालय में हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ स्वास्थ्य जांच के लिए प्रत्येक 6 माह बाद स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएंगे। सफाई कार्यों से जुड़े परिवारों के बच्चों को अन्य कार्यों के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी विशेष बल देने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में पहली बार राज्य स्तर पर सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है। इस आयोग के माध्यम से यहां पर देश के सफाई कर्मियों के हित बेहतर तरीके से सुरक्षित किए जा सकेंगे। वहीं उनके जन कल्याण के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। इस मौके पर डीसी विनय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से अवश्य लिए जाते हैं, लेकिन उनके मानदेय व हितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कार्यस्थल से जुड़े विभाग की है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार अपनी इच्छा से किसी भी कर्मचारी को नहीं हटा सकता, बल्कि इसका अधिकार संबंधित विभाग के जिला अधिकारी को है। इसके अलावा इस बैठक में नगर निगम, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में तैनात सफाई कर्मियों के वेतन, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा उपकरणों सहित अन्य योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन नगरपालिकाओं में सफाई कर्मियों के लंबित वेतन के लिए फंड की समस्या है, तो वे केस बनाकर उपायुक्त कार्यालय में भेजें। रिवॉल्विंग फंड से उन्हें वेतन के लिए पैसा उपलब्ध करवाया जाएगा। करनाल में आया हूँ इस तरह से, पहले कभी पूरे हरियाणा में मैंने विजिट कर लिया, लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ था। काफी लोग आप लोगों के पास पहले भी आए हैं, और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भी आया है, और दूसरे जो यहाँ पे जो सफाई अभियान के जो वाइस चेयरमैन है वो आप लोगों के कॉन्टेक्ट में रहे हैं, सुभाष जी। तो मेरा थोड़ा सा तरीका अलग था, बट वो कम्युनिकेशन मेरे को पता नहीं कैसे इनका हुआ है, स्टाफ का और आपका जो CI है, क्योंकि मैं चाहता था कि सारे लोग जिला के जो दूसरे अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, सभी का और सभी कर्मचारी जो हमारे करनाल शहर के लिए हम सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं माननीय वाइस चेयरमैन महोदय से अनुमति चाहूँगा कि आज की बैठक जो है उसको प्रारंभ करने की अनुमति। तो मैं पूरा जो टाइम है अपना वो पूरा टाइम इसमें 100% में देता हूँ, मतलब कोई उस तरीके की कोताही मैं बरतता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को जो काम दिया गया है मैं उसमें 100% रहूँ, यही मेरा पूरा मानना है कि आप लोगों के बीच में मैं जाता रहूँ। और हरियाणा में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, इवन आप लोकल बॉडी वाले नहीं, जो ये जो ग्रामीण है और दूसरे जितने भी रोडवेज में कह लो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में कह लो, चाहे मार्केटिंग बोर्ड में कह लो, मैं सभी ऑफिसर्स को बुलाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी जो सफाई कर्मचारी है वो शायद आप लोगों के कॉन्टेक्ट में कम आते हैं, और या एजुकेशन में भी कह लो, तो मैं उन ऑफिसर्स को भी यहाँ मीटिंग में बुलाता हूँ, और वो मीटिंग जो रहती है उसमें मैं सारे जो उनकी प्रॉब्लम्स है, उनकी जो समस्या है वो क्लियर उसको मैं करता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे ऐसे इकट्ठा किया गया है, मैं उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। और उस तरीके से अरेंजमेंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम जहाँ पे भी इसको जो मेन समस्या है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम, और जो आपकी जितनी भी समस्याएं है मैं कोशिश करूंगा कि उन 10 वोट उसको रिजोल्व कराएं, और जो रह जाएगी वो जो पॉलिसी मैटर की चीजें हैं कई, उसको हम पॉलिसी मैटर में हरियाणा गवर्नमेंट में कल भी यहाँ हमारे माननीय मंत्री जी जो ULB के हैं, मिस्टर अनिल भी विजिट करके गए हैं, और वो भी एक्टिव, बहुत एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, और मैं इस कमीशन में काफ़ी विजिट कर चुका हूँ, और सारे जो प्रॉब्लम्स हैं हमने एक पॉलिसी फ्रेम करनी है स्टेट लेवल पे, वो पॉलिसी इस तरीके की फ्रेम करनी है कि पहले कभी इस तरीके की पॉलिसी हरियाणा में कभी हुई नहीं, और उसमें जब आप उसका पॉलिसी फ्रेम हो जाएगी, उसको इम्प्लीमेंटेशन आएगा, उसको जब लागू होगी वो, तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स आएंगे उसमें, वो उसके बेनिफिट्स आएंगे तो उसका जो कर्मचारी आयोग है उसका आपको फिर पता लगेगा कि भाई हरियाणा में उसने काम किया है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।